portal was launched in the year of 2016 and it is owned by ministry of electronics and it government of india ministry of electronics and information technology okay and does provide karte? it helps in the scholarship provision to the needful okay india ka one of the best scholarship programs hai ye. Aap हर एक कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप देख सकते हो बी एड प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पी एच डी सब लेवल के लिए देर आर दैट आर अवेलेबल बट पता है मोस्टली लोगों को ये पोर्टल के बारे में पता नहीं है एंड दे डोंट अप्लाई दिस सो आई होप दैट ये वीडियो के बाद यू आर एबल टू स्क्रॉल टू दैट पोर्टल एंड अंडरस्टैंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सी हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वर्ल्ड यहाँ पर दिस इज एन एस पी का पोर्टल फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ओके अभी एज यू कैन सी इं पर स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन पब्लिक ऑफिसर्स सब दिया है सो इफ यू विल सिलेक्ट ऑन दिस कैटेगरी कॉल्ड पब्लिक ओके तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर यू विल फाइंड डैशबोर्ड ओके डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर लेंगे डैशबोर्ड अगर हमको जानना है कि हमारे पास कितनी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का लेटेस्ट डेटा तो हम वो क्लिक कर लेते हैं तो इससे हमको पता चलेगा की कितने कितने स्कीम्स अवेलेबल फॉर दैट वेरी योर ठीक है तो हमको एक अपलिकेशन करने में भी एक आइडिया आएगा

तो इसमें कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है इट इज जस्ट वन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दैट इज द स्कीम अवेलेबल देन इफ वी आर सिलेक्टिंग दिस थिंग यू जी तो यू में कौन सी तो कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है आर प्रोवाइडेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो कौन से कौन से अवेलेबल स्कॉलरशिप है दैट इज वट आई कैन सी तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप रेलिवेंट है वो आप क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हो सो दैट इज वन थिंग नाउ इट विलीड टू दिस वेरी पेज यहाँ पर ये यह लोग बोल रहे कि ऑल द स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल अंडर जस्ट वन अम्ब्रेला एंड दैर इज दिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन फॉर ऑल द स्कॉलरशिप्स ओके मुझे वो जानना है कि मैं कितनी कितनी स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हूँ ओके तो उसके लिए मैं क्या करूँगी आई क्लिक ऑन दिस पब्लिक टैब नाउ वंस इट विल ओपनिंग आई विल क्लिक ऑन माई स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी नो योर एलिजिबिलिटी फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी थिंग ओके चेक योर एलिजिबिलिटी आ जाएगा इसमें तो इसमें आप क्या कर सकते हो अपना पूरा यहाँ पे इनफो डाल सकते हो यहाँ पर एज यू कैन सी आपका नाम डालना है फिर डेट ऑफ बर्थ पेरेंट एनुअल इनकम रिलीजन डिसेबिलिटी है कि नहीं है स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है यहाँ पे दिया है पोस्ट मैट्रिक प्री ये सब दिया है तो आप ये क्लिक करके वो डाल सकते हो यहाँ पर बहुत सारे फील्स दिए ऑलरेडी यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म एंड यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप

I hope this video was helpful to you. And yes, if you have any doubt, so please be it without any hesitation. Ask me in the comment box, and I'll get back to you as soon as possible. I'll see you in the next video. Until next time, this is.